हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 24, जिसमें देखेंगे आरएस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 24 का क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर वॉच करें ताकि आपकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चन को करो तो काफ़ी आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 24 में जो 12 में और क्वेश्चन है यहां पे आप ध्यान देंगे, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी टेन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी टेन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा आपका क्या है, एंगल ए एंड बी के बीच है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप याद कीजिए, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता था, ए क्रॉस बी इक्वल टू एंगल का फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। यही ना होता था, क्रॉस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। और डॉट में क्या होता था, डॉट में होता था ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। डॉट में कॉस थीटा और क्रॉस में साइन थीटा। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि इन दोनों को, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, इसको सेकंड कर देंगे, और यहां पे लैंग्वेज लिखेंगे डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बाय ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखें मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैंसिल, बी बी कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, तो अब आपके पास बच जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बाय ए डॉट बी इक्वल टू वन, यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ए डॉट बी टेन थीटा। और आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी टेन थीटा। हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी टेन थीटा, यही ना हमें प्रूफ करना था। अभी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इतने पार्ट को आप एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, यानी क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोला जा रहा है राइट द वैल्यू ऑफ पी। आपको क्या लिखना है, पी का वैल्यू लिखना है फॉर विच ए वैक्टर इक्वल टू 3i + 2j + 9k एंड बी वैक्टर इक्वल टू i + pj + 3k आर पैरल वैक्टर्स। आपके पास क्या है, आपको p का वैल्यू निकालना है जो कि दिया हुआ आपके पास कि a वैक्टर और b वैक्टर क्या है, पैरल वैक्टर है। आप याद कीजिए पैरल वैक्टर a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता था, पैरल वैक्टर में जब पैरल वैक्टर होता है तो a क्रॉस b इक्वल टू 0 होता है, हमने थ्योरी पार्ट में इसको कराया हुआ है। अब क्या हो जाएगा, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, यही ना हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले LHS लेके चलते हैं, LHS में क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी कैसे हम निकालते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे i j k
फिर आई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3, जे का वैल्यू 2 और के का वैल्यू 9, वहाँ से फिर बी में आ जाएगा आपके पास आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू पी और के का वैल्यू 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे आई लेंगे, यहाँ पे आई लेंगे, जब आई लेंगे तो आपका रो और कॉलम कैंसिल, यानी इसमें इससे मल्टीप्लाई, इसमें इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 माइनस 9 × p, यानी 9p हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब j लेंगे तो ये तो माइनस होता है, j माइनस में ये रो और कॉलम कैंसिल, यानी 3 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 × 3 माइनस 9 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर क्या हो जाएगा, प्लस k जब लेंगे, k लेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, अब क्या हो जाएगा, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 3p माइनस 2 × 1। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, तो अब ये हमारे पास हो जाएगा आई, यहाँ पे आई हो जाएगा 3 × 2 माइनस 9p माइनस जे। अब जे में क्या हो जाएगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 माइनस 9, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा आपका ना। फिर प्लस के में क्या हो जाएगा, के में हो जाएगा आपके पास 3p माइनस 2। अब ये क्या हो जाएगा, तो अब आपके पास हो जाएगा आई 6 माइनस 9p, ये 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 9 गया 0 और इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। प्लस के 3p माइनस 2 ये हो गया। अब चूंकि हमें p का वैल्यू निकालना है, इसलिए LHS इक्वल टू RHS करना पड़ेगा, LHS इक्वल टू RHS। तो LHS में हमारा क्या आ गया, LHS में हमारा आ गया I इंटू 6 माइनस 9p प्लस k में क्या आ गया 3p माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब एक बार इसको लेके 0 को इक्वल करेंगे, फिर एक बार इसको लेके 0 को इक्वल करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपका रिजल्ट होगा p का, यानी कि ये क्या हो जाएगा आई इंटू 6 माइनस 9p इक्वल टू 0। आई तो आपका पहले 0 में चला गया, तो बचा क्या 6 माइनस 9p इक्वल टू 0, यानी माइनस 9p इक्वल टू माइनस 6। पी इक्वल टू क्या आ गया 6/9, यानी 2 × 3 = 3, पी इक्वल टू 2/3। तो अब आपके पास एक पी का वैल्यू आ गया यहाँ पे। फिर इसके थ्रू देख लेते हैं क्या आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा के कैप इंटू 3p माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये के कैप का तो 0 में हो गया, यानी 3p माइनस 2 इक्वल टू 0, 3p इक्वल टू 2, पी इक्वल टू 2/3। तो दोनों में आप देख सकते हैं पी इक्वल टू 2/3 ही आया। एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं, आप ध्यान देंगे, आपके पास क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ p, आपको p का वैल्यू निकालना है, फॉर विच a वैक्टर इक्वल टू 3i + 2j + 9k एंड b वैक्टर इक्वल टू i + pj + 3k, ये है। आर पैरेलल वेक्टर, आपको दिया हुआ कि a और b जो है ये आपका पैरेलल वेक्टर है, और जब पैरेलल वेक्टर है तो आप p का वैल्यू बताइए क्या होगा, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। और जब पैरेलल होता है a और b वेक्टर, तब पैरेलल में हम आपको थ्योरी पार्ट में कराए हुए हैं कि a क्रॉस b इक्वल टू 0 होता है, तो a क्रॉस b इक्वल टू जब 0 होगा तो पहले हम a क्रॉस b निकाल लिए हैं LHS लेके, और a क्रॉस b निकालने क्या करते हैं, यहाँ पे i j k, i यहाँ पे i के पास क्या 3, j के पास 2 और k के पास 9, यहाँ पे b में i के पास 1, j के पास p और k के पास 3 लिख दिए। फिर इसको क्या किए, आई लिए, रो और कॉलम कैंसिल, यानी 3 में मल्टीप्लाई 2 से और 9 में मल्टीप्लाई p से। फिर माइनस j लिए, ये रो कॉलम कैंसिल, यानी 3 में मल्टीप्लाई 3 से माइनस 9 में मल्टीप्लाई 1 से। फिर क्या किए, प्लस k लिए, तो k ये लिए तो आपका कैंसिल, यानी p में मल्टीप्लाई 3 से और 2 में मल्टीप्लाई 1 से, ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा, i लिए, 3 में मल्टीप्लाई की जगह 2 से तो 6 माइनस 9p माइनस j, 3 में 3 से की जगह 9 और 9 में 1 से की जगह तो 9 ही होगा। फिर क्या हो जाएगा, प्लस के 3 में p और ये 2, ठीक है। अब यहाँ पे i इंटू 6 माइनस 9p और यहाँ पे j वाला जो है, j वेक्टर वाला, ये आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 9 में से 9 गया 0, यानी ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, इसे अब लिखने से कोई फायदा नहीं है। ये क्या हो जाएगा, k कैप इंटू 3p माइनस 2 हो गया। अब चूंकि हमें p का वैल्यू निकालना है, इसलिए LHS इक्वल टू RHS तो करना पड़ेगा, जो आपको गिवेन है, ये हमें गिवेन है। क्यों गिवेन है, पैरेलल के थ्रू। तो LHS इक्वल टू RHS कर लिए, LHS अभी हम निकाले, i कैप इंटू 6 माइनस 9p प्लस k कैप 3p माइनस 2 इक्वल टू 0।
अब एक बार इस पूरे पार्ट को जीरो के इक्वल किए हैं, यानी आई इंटू आई कैप इंटू सिक्स माइनस नाइन पी इक्वल टू जीरो। आई कैप पहले आपका जीरो में चला गया, यानी सिक्स माइनस नाइन पी इक्वल टू जीरो। माइनस नाइन पी इक्वल टू माइनस सिक्स, चूंकि ये प्लस में रह जाए तो माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल। पी इक्वल टू सिक्स बाई नाइन, यानी पी इक्वल टू टू बाई थ्री। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किए हैं कि इसको अब जीरो के इक्वल किए हैं, यानी के कैप इक्वल इंटू थ्री पी माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब क्या हो जाएगा कि के कैप आपका जीरो में चला गया, यानी थ्री पी माइनस टू इक्वल टू जीरो। थ्री पी इक्वल टू टू, माइनस में इधर जाए तो प्लस में, पी इक्वल टू टू बाई थ्री। इस तरीके से आपका जो पी का वैल्यू आया वो टू बाई थ्री आया। अब आप इसको एक बार नोट आउट कर लें।